Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में, और आज की रॉ के अंदर मतलब कुछ हमने ऐसी चीजें देखी जो कि बिल्कुल भी हम नहीं सोच रहे थे। अगर मैं आपसे कहता कि ट्रिपल एच आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर मैच रसल करने, तो भाई इस बात पर कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमको यही देखने को मिला। ड्रू मैकइंटायर के बारे में हमको बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ पता चलती है कि वो हो चुके हैं कोविड के लिए पॉजिटिव। तो आगे उनका मैच का क्या सीन है, अब रॉयल रंबल में क्या होगा WWE चैंपियनशिप के मैच का, और भाई शो के एंड में रैंडी ओर्टन के आंख में फूट गया पटाखा। तो पूरे शो के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, कैसा रॉ का एपिसोड था, अच्छा था या बुरा था, वो सारी बातें। और गाइस आपको क्या करना है, हर बार की तरह इस वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है ना, वो ट्रिपल एच के साथ ही देखने को मिलती है। ट्रिपल एच रिंग में आते हैं और सभी को वेलकम करते हैं और कहते हैं बहुत टाइम के बाद उनको ऐसा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन इससे पहले कि ट्रिपल एच अपनी दिल की बातें बोलते हैं, रैंडी ओर्टन आ जाते हैं और वो इंटरप्ट करते हैं ट्रिपल एच को और कहते हैं अरे भाई आज तुम आए गए ना फिर वापस। और यहाँ पर पहले मैं समझ जाता कि क्या होने वाला दोनों के बीच, क्या ट्रिपल एच और रैंडी ओर्टन सेम पेज पर होंगे या फिर इनके बीच कोई नोकझोंक होगी। और हिसाब किताब यहाँ पर नोकझोंक वाला था। ट्रिपल एच यहाँ पर रैंडी ओर्टन के बारे में बात करते हैं कि रिसेंटली उन्होंने क्या कुछ किया है, जैसे कि फीन के साथ उन्होंने जो कारनामे किया। लेकिन एक चीज ट्रिपल एच को यहाँ पर पसंद नहीं आ रही और वो चीज है रैंडी ओर्टन का लेजेंड्स के ऊपर अटैक करना। और रैंडी ओर्टन भी यहाँ पर ट्रिपल एच के बारे में बातें बोल रहे होते हैं कि चलो तुम वापस तो आए हो तो तुम मेरे लिए क्या करने वाले हो, क्या तुम मेरे को 30 नंबर पे उतारोगे या फिर तुम मेरे को WWE चैंपियनशिप देने वाले हो, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर के साथ जो आज उनका मैच था वो तो नहीं होने वाला। ट्रिपल एच यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होते रैंडी ओर्टन से, और हम यहाँ पर देखते हैं कि रैंडी ओर्टन ट्रिपल एच को चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए टुनाइट। ट्रिपल एच कहते हैं कि अरे चल जा मेरे को मैच करने में कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और मैं जब ये चीज़ हुई तो मैं डिसअपॉइंट हो गया, मैंने कहा अरे यार अभी भी तो मैच हो जाता है यार, क्या ट्रिपल एच यार मतलब आ रहे हो शो के ऊपर तो मैच भी दे दो। लेकिन फिर पता है रैंडी ओर्टन ने ट्रिपल एच से क्या कहा, रैंडी ओर्टन ने कहा कि तुम अपनी बॉल्स को जो है पर्स से नहीं लेकर आए हो। और भाई जैसी ये बात उन्होंने बोली ट्रिपल एच हो गए आग बबूला, उन्होंने आकर जो है राइट हैंड मारा रैंडी ओर्टन को, और इसके बाद रैंडी ओर्टन चले जाते हैं रिंग से बाहर, मतलब वो भाग गए वहां से। और कहते हैं कि लगता है इसका मतलब होना है यस, यानी कि उनको लगता है कि भाई अब जिस तरीके से ट्रिपल एच का एंगर आया है रैंडी ओर्टन और ट्रिपल एच का जो मैच है वो होगा रॉ के एपिसोड में। हालांकि अभी तक ट्रिपल एच ने एक्सेप्ट नहीं किया था चैलेंज को, लेकिन बाद में हमको एक बैक स्टेज इंटरव्यू के अंदर देखने को मिलते हैं ट्रिपल एच, जहां पर उन्होंने रैंडी ओर्टन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और मेन इवेंट के लिए बड़ा जो मैच है वो पहले से ऑफिशियल हो जाता है। तो आउट ऑफ नोवेयर चीज आई, लेकिन मैं कह सकता हूँ काफी बढ़िया चीज थी। और ड्रू मैकइंटायर की तरफ से भी हमको बैक स्टेज से एक सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलती है जहां पर बताते हैं कि वो कोविड के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने हमको ये बताया कि उनको कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है, चीजें उनके लिए काफी स्मूथ है। लेकिन इस बंदे ने आकर मेरे साथ जैसा सलूक किया है, मैं गोल्डबर्ग के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ रॉयल रंबल में WWE चैंपियनशिप के लिए। सबसे सही बात पता है यहाँ पर क्या रही कि ड्रू मैकइंटायर के हाथ से चैंपियनशिप नहीं गई, WWE वेट कर रही है कि उनका जो कोरोना वायरस वाली दिक्कत है वो सही हो जाए और उसके बाद पूरी से फिट होकर वापस आए। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी, और अभी भी गोल्डबर्ग और ड्रू मैकइंटायर का जो मैच है रॉयल रंबल के लिए WWE उसको ऑन दिखा रही है। तो अपनी उम्मीदें बिल्कुल भी मत तोड़ो कि ड्रू मैकइंटायर अगर कोविड पॉजिटिव हो गए WWE इस मैच को जो है रॉयल रंबल के लिए एडवर्टाइज कर रही है। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है शार्लट फ्लेयर वर्सेस लेसी एवंस का मैच, और पता नहीं आ रहे WWE क्या कर रही है, रिक फ्लेयर को अभी पता नहीं क्या करना है। स्टोरी यहां पर यही थी कि लेसी एवंस की जो साइड है उस पर रिक फ्लेयर आते हैं। इवन आज तो हमने देखा कि रिक फ्लेयर ने फिर से वही हरकत करी, जब ऐसा लगता है कि शार्लट फ्लेयर ने पिन दिया लेसी एवंस को तो उन्होंने जो लेसी एवंस का पैर है वो रोप्स के ऊपर लगा दिया, शार्लट फ्लेयर को उन्होंने जीतने का मौका नहीं दिया, और सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शन के बाद जो है रिक फ्लेयर ने लेसी एवंस को जिता दिया। और लेसी एवंस जो है काफी ज्यादा खुश होती है, मेरे को नहीं पता कि 2021 में ये वाली चीज कौन देखना चाहेगा। लेकिन खैर यही था जो आज हमको रॉ के एपिसोड से देखने को मिला। इसके बाद होता है गाइस जेफ हार्डी वर्सेस जैक्सन राइकर का मैच, और इस मैच में होती है डिस्ट्रैक्शन एलायस की, और इसके बाद जो जेफ हार्डी इस मैच को हार गए। लेकिन जेफ हार्डी यहां पर एलायस के साथ भी इसके बाद एक मैच रसल करते हैं, और यहां पर जो जेफ हार्डी को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिला। पता नहीं जेफ हार्डी की बुकिंग भी कैसे हो रही है, इससे बढ़िया जेफ हार्डी को बुक किया जा सकता है। और एंड में जो है उन्होंने अपने ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया, सन टर्न बॉम्ब लगाया, और जेफ हार्डी ने इस मैच में जीत हासिल कर ली। आई होप नेक्स्ट वीक सब जब चीजें होती हैं तो जेफ हार्डी के साथ हमको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिले। इसके बाद गाइस हमको मैच देखने को मिलता है कीथ ली एंड शेमस वर्सेस मिज एंड मॉरिसन के बीच में, और ये मैच के अंदर भी क्या ही सीन था। सीन ये था कि भाई कीथ ली और शेमस आपको पता है इनके बीच तकरार रहती है, लेकिन इनको जो है टीम में डाला गया था। हालांकि इस मैच में ऐसी कोई खास दिक्कत हुई नहीं, एंड में जरूर देखा कि जब कीथ ली जो है मैच को खत्म करने वाले होते हैं शेमस यहां पर आते हैं और वो अपने आप को टैग इन करके ब्रू किक लगा के टीम को जिता देते हैं। कमर्शियल आता है, उसके बाद कमर्शियल जाता है, दोबारा से हम लोग शो पर आते हैं, और यहां पर हमको देखने को मिल रही है कीथ ली और शेमस के बीच नोक झोंक, जिसके बाद उनके बीच होता है सिंगल्स मैच।
और भाई सही में मैच काफी अच्छा था, मतलब WWE ने रैंडमली बुक तो कर दिया लेकिन ये काफी ब्रूटल था, काफी हार्ड हिटिंग था और दोनों सुपरस्टार्स को देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि मिड कार्ड से ये ऊपर के कुछ सुपरस्टार मेरे को नजर आ रहे हैं, बस यहाँ पर इनके पास चैंपियनशिप नहीं है, वरना तो भाई ये दोनों सुपरस्टार कमाल ही करते थे। और मैच के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर कीथ ली ने अपना स्पिरिट बॉम्ब लगाया शेमस के ऊपर और इस तरीके से उन्होंने जीत हासिल कर ली। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि शेमस मैच हारे तो उनको वीक दिखा देगा, क्योंकि वो भी कीथ ली के सामने काफी स्ट्रांग नजर है और आपको पता है जो कीथ ली है उनको काफी ज्यादा स्ट्रांग बुक किया जाता है। नेक्स्ट गाइस हमको देखने को मिलता है बॉबी लैशली वर्सेस मैट रिडल या फिर रिडल का मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और यहां पर उम्मीदें क्या थी कि हमारे रिडल जीतेंगे चैंपियनशिप को, वेल यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। इस बार तो रिडल की पूरी बेइज्जती हो गई क्योंकि यहां पर उन्होंने कर दिया टैप आउट हर्ट लॉक के ऊपर, जो कि बॉबी लैशली का फिनिशर है, सबमिशन मूव है, और इसके बाद जो रिडल मैच को हार गए। लेकिन रिडल कहते हैं कि चलो मैं लैशली से तो आज हार गया लेकिन मैं एमवीपी को चैलेंज करता हूं, एमवीपी को चैलेंज किया और जब ऐसा लग रहा होता है कि चलो रिडल इस मैच को तो जीत जाएंगे, लैशली आते उन्होंने जो है यहां पर फिर से उनको स्पीयर लगा दिया, डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो गया और उसके बाद भी जो है लैशली ने अटैक किया है और एमवीपी ने अटैक किया रिडल के ऊपर। तो रिडल का तो भाई यहां पर मंदिर का घंटा ही बज गया, भले ही उनको चैंपियनशिप के लिए मौका जरूर दिया जा रहा है लेकिन यहां पर उनको बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं दिखाया गया। इवन लैशली वैसे उनको काफी स्ट्रॉन्ग WWE दिखा रहे थे, उनके सामने किसी को भी बड़ा दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं रिडल के दिन क्या आने वाले रॉ के एपिसोड्स में बदलते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है जेवियर वुड्स वर्सेस टी बार का मैच और कोफी किंगस्टन आज हमको नहीं देखने को मिलते क्योंकि उनके जॉ में कुछ प्रॉब्लम है, तो पता नहीं इस मैच को करने का क्या मतलब है, रेट्रीब्यूशन को सिर्फ बुक करना था इसलिए शायद इस मैच को कर दिया। और बाकी रिजल्ट की बात करें तो मैं रिजल्ट से थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हुआ क्योंकि टी बार ने यहाँ पर जेवियर वुड्स को हरा दिया है और उन्होंने रेट्रीब्यूशन के लिए विक्ट्री हासिल करी है। पता नहीं रेट्रीब्यूशन को अच्छा बुक करना चाहते हैं, बेकार बुक करना चाहते हैं, हर हफ्ते जो इनकी बुकिंग बदलती है, मेरी समझ से सारी चीजें बाहर हैं। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है नाया जैक्स एंड शेना बेजलर वर्सेस मैंडी रोज एंड डेना ब्रुक का मैच और इसके बारे में बात करके कोई फायदा है नहीं, मतलब ये चीजें तो सिर्फ इसीलिए होती है कि 3 घंटे कैसे रॉ के एपिसोड में निकाले जा सके। रिजल्ट की बात करें तो यहां पर शेना बेजलर ने अपना सबमिशन मूव लगाया और इस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को इस मैच में जिता दिया। इसके बाद आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू गुलाक का मैच और यहां पर बैकस्टेज को एडम पियर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि रॉ के एपिसोड में तो लंबी सांस ले रहे होंगे लेकिन स्मैकडाउन के एपिसोड में उनकी फट जाती है। और सीन यहां पर यह था कि ड्रू गुलाक कहते हैं उनको रॉयल रंबल मैच के अंदर आना है, सिंपली अगर वो एजे स्टाइल्स को हरा देते हैं तो उनको जो है एंट्री मिल जाएगी, बाकी क्या ही होना था इस मैच के अंदर। यहां पर ओमस भी होते हैं जिनको देखकर ड्रू गुलाक बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं क्योंकि एजे स्टाइल्स को कोई खास हेल्प की जरूरत है नहीं ओमस की ड्रू गुलाक को हराने के लिए। और फिनोमिनल फोरआर्म के साथ इस मैच में एजे स्टाइल्स की जीत हो गई। लेकिन गाइस अब आता है शो का मेन इवेंट मैच जिसके लिए हम लोग एक्साइटेड थे और सबसे पहले तो मैं ये देखकर डिसअपॉइंट हो गया कि जो मेन इवेंट का मैच है उसको बहुत ही कम टाइम मिला, तो मैं समझ गया था यहां पर कोई ऐसी खास रेसलिंग नहीं होने वाली, भले ट्रिपल एच वापस जरूर आ रहे रिंग में लेकिन हमको इतना कोई फिजिकल एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। और वैसे हमको इस मैच के अंदर देखने को मिलता है रैंडी ओर्टन ने भी अटैक किया ट्रिपल एच के ऊपर, ट्रिपल एच भी रैंडी ओर्टन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मामला यहां पर बराबर सही चल रहा है। लेकिन तभी यहां पर अपना हैमर निकालते हैं, स्लैज हैमर निकालते हैं ट्रिपल एच, जो कि देखकर बहुत पुरानी वाली फीलिंग आई। हालांकि अगर ट्रिपल एच बिना टी शर्ट के लड़ते तो थोड़ा सा और मजा आता उनको देखने में, एंट्रेंस भी उनकी यहां पर काफी कमाल की थी। और हम लोग क्या सीन देखते हैं कि जैसे फीन के आने पर लाइटनिंग बुझती है वैसे ही हमको सीन देखने को मिलता है और जो ट्रिपल एच का स्लैज हैमर है उसमें पूरी की पूरी आग लग गई। लेकिन उसके बाद लाइट्स होती है ऑफ, लाइट्स होती है ऑन, चारों ओर जो है रैंडी ओर्टन भी कंफ्यूज है कि भाई ये क्या हुआ, मैं सोच रहा हूं फीन कहां पर है। लेकिन पीछे खड़ी होती है एलेक्सा ब्लिस, उन्होंने अपना जो है हाथ ऊपर किया और फायर बॉल से उन्होंने अटैक कर दिया रैंडी ओर्टन के ऊपर, जो कि रैंडी ओर्टन की सीधा आंखों पर जाकर लगता है। और उसके बाद तो भाई रैंडी ओर्टन की पूरी हालत खराब हो गई, उनको समझ नहीं आ रहा कहां कौन है, कहां क्या देख रहा है, मतलब उनके साथ, क्योंकि भाई जब आंख में जाएगा तो दिक्कत तो आपको पता है होनी है। और इस तरीके से जो मंडे नाइट रॉय वो ऑफर चले जाती है। हालांकि जब ये सारी चीजें हुई तो मेरे को ये देखकर थोड़ा सा वियर्ड लगा कि भाई मैच तो ट्रिपल एच के साथ चल रहा है, ट्रिपल एच कहां अचानक से गायब हो गया। लेकिन इस समय को ये पता चल रहा है कि ट्रिपल एच और रैंडी ओर्टन का तो मैच था लेकिन असली में WWE यहां पर कुछ हमको दिखाना चाहती है रैंडी ओर्टन एंड द फीन के बीच। फीन भले हमको देखने को नहीं मिले लेकिन आपको पता है कि फीन की चेली है एलेक्सा ब्लिस, तो आज वो हमको शो के ऊपर देखने को मिली। तो बड़े ही हम लोग कह सकते हैं वियर्ड तरीके से मंडे नाइट रॉ एंड हुई, लेकिन कुछ ना कुछ यहां पर बस तो क्रिएट हुआ है, ट्रिपल एच वापस आया शो के ऊपर, तो हो सकता है रॉ की रेटिंग्स में भी फायदा। और अब नेक्स्ट वीक के लिए हमको लटका के रख दिया गया है कि क्या सीन बनने वाला है, ट्रिपल एच का क्या मामला होगा या फिर अब फीन कब तक वापस आने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं रॉ के एपिसोड की बात करूं तो ठीक है, मतलब इस बार हमको कुछ अलग चीजें देखने को मिली लेकिन फिर भी 3 घंटे का शो बहुत ज्यादा लंबा होता है, बाकी जो सारी चीजें WWE फिलर की तरह यूज करती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 5 स्टार में से शो को आप लोग कितने स्टार्स दोगे। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक की बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।